सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज एक बार फिर से जानी पहचानी जगह रोहतक में है। आप देख पा रहे हैं सामने राघव भाई को, और भाई साहब ने देखिए इधर बोर्ड भी लगा रखे हैं, भारत डेयरी फार्म। मेरे ख्याल से लगभग 50-60 साल से भाई साहब काम कर रहे हैं। रोहतक में है, रोहतक वो जगह जहाँ मैं कहूँगा जाना जाता है, जिसने पूरे देश में भैंसों के मामले की बात करें, मुर्रा को लेके गया रोहतक सिटी, रोहतक की मंडियाँ जहाँ से भैंसे काफ़ी संख्या में पहले भी बिक के जाती थी और आज भी बहुत सारी जो भैंसे हैं वो बिक के जाती हैं। राघव भाई से बात करेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे, पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। राघव भाई कितनी भैंसे आज की वीडियो में दिखाएंगे? 14-15 भैंसे। 14-15 बिकी हुई है या बिकने वाली है? 2-3 बिकी हुई है, बाकी बिकने वाली है। 2-3 बिकी हुई है, वो कहाँ जा रही है बिक के? ये मुरैना जा रही है जी, मुरैना एमपी में। और बाकी बिकने वाली अभी आज कल की भी आई है, कोई गैप बना है। अच्छा, तो वो तैयार खड़ी हैं बिक्री के लिए? तैयार खड़ी हैं। तो भाई साहब ये पूछना चाहेंगे, फिलहाल की अगर बिक्री की बात करें, वैसे रूटीन में आप कहाँ ज्यादातर भैंसे बेचते हैं? हम तो जी ऑल इंडिया ही बेचते हैं, लगभग ज्यादातर जबलपुर, तमिलनाडु, नोएडा साइड और अपना मतलब एमपी साइड, सारी जगह ही जाती है लगभग माल, सारी जगह। जहाँ कहीं का भी भाई हो वहाँ भैंस लेना चाहता है तो संपर्क कर सकता है आपसे। तो भाई साहब दूध वगैरह कितने टाइम निकलवा के देते हो? 2 टाइम जी, 2-3 टाइम, जितने टाइम में तसल्ली होगा कि उतने टाइम। ठीक है। और ये बात करें जैसे कि कोई 2-2, 4-4 भाई आ जाते हैं तो कोई रुकने की, रहने खाने की सारी व्यवस्था है जी अपने पास, रहने खाने की सारी चीज की, ट्रांसपोर्ट की सारी चीज की व्यवस्था, सब व्यवस्था है। ठीक है, तो भैंसों से शुरुआत करते हैं। एक नंबर पे जो भैंस बंदी हुई है भाई साहब, इसके बारे में बताइए। ये जी दूसरे ब्याह है, सींग की थोड़ी खोलची उतरी हुई है। हाँ हाँ जी, ये अभी कल की भी आई है, कल सवेरे की, लगभग खीस से खाली कर रही है। हाँ हाँ, इसमें मेरे ख्याल अभी 8-9 किलो खीस होगा। 8-9 लीटर खीस दोनों टाइम का? हाँ जी, अभी ताजी भी आई है कल की, ताजी भी आई है, 8-9 लीटर खीस है कल। दार फसा की बहुत बड़ी। तो ये कितने की बेचनी है जी? ये दे देंगे जी 1,02,000। 1,02,000 रुपए की दे देंगे। ठीक है, ये देखिए साफ सुथरी लंबी ऊंची भैंस 1,02,000 में। कितना दूध दे देगी भाई साहब ये जब पूरे दूध पे आएगी? ये दूध दे देगी 13-14 किलो अंदाजा। 13-14 किलो, 1,02,000 रुपए फुल साइज की भैंस है। थोड़ा आगे करो भाई, दो नंबर खोलो, ये खोल। दो नंबर पे देखिए एक और भैंस बड़े अडर वाली दिखाई देती हो, ये तीसरे ब्यांत की जी। ये भी लगभग खीस से खाली कर रखे है, धार धार छोड़ रखे है। कच्ची ब्याई हुई लेते हो सब? कच्ची ब्याई है क्या? ठीक है, तो ये भाई साहब इसमें जी अभी मेरे हिसाब से 11-12 किलो खीस खींच है। ठीक है, ये कितना दूध निकाल देगी? 16-17 किलो बड़ी आराम। इसकी क्या कीमत होगी? ले आओ भाई, कीमत जी 1,12,000 रुपए। 1,12,000 रुपए कीमत है। देखिए फुल साइज की भैंस है, बड़े अडर वाली, 15-16 किलो दूध दे देगी। अच्छी भैंस भाई साहब के यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध है। और राघव भाई बात करें रूटीन में कितनी भैंसे रखते हो बिक्री वाली? रूटीन में रहती है सर 10-15-20 अंदाजा रहती है, इतनी 10 से लेके 20 तक। हाँ जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, इससे आगे तीन नंबर वाली खोलो जी। इसमें जी अभी 15-16 लीटर दूध तैयार है, 4-5 दिन की ब्याई है। 4-5 दिन की ब्याई में 15-16 लीटर दूध, 15 लीटर काटे का दूध है। इसकी क्या कीमत होगी? इसके जी 1,20,000। 1,20,000 रुपए देखिए फुल बड़े साइज की भैंस है, जोशीले अडर वाली, और पीठ की क्वालिटी देखिए बहुत ही शानदार। थोड़ी सी कमी एक दिखाई दे रही है माथे में, वाइट निशान, लेकिन वो निशान कोई इतना बड़ा नहीं है, बाल बाल वाइट दिखाई दे रहे हैं। जो भाई दूध बेचने का काम करते हैं या ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी भैंस, 1,20,000 में 20 लीटर दूध निकाल देगी भाई साहब? बिल्कुल जी, आराम से 20 लीटर दूध निकाल देगी 4-5 दिन की ब्याई में। 4-5 दिन की ब्याई में। ठीक है, ये देखिए बहुत ही शानदार अडर की क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया। 4-5 जोटी राघव भाई बता रहे हैं। आगे ये बताइए जी, पहले ब्यांत की? दूसरे ब्यांत की, दूसरी बार बच्चा देगी, दूसरी बार। कितना दूध दिया पहले ब्यांत में? पहले ब्यांत में जी 13-14 लीटर बता रहे थे किसान के घर से, जब ली थी उन्होंने 13-14 लीटर बताया था दूध। तो अभी कितना दूध निकाल देगी? 15-16 लीटर दे देगी। इसकी क्या कीमत होगी भाई साहब? 1,16,000 रुपए। 1,16,000 रुपए कीमत बताई राघव भाई ने। देखिए बिल्कुल छोटा सींग इस जोटी का भी, 4 दांत, दूसरी बार बच्चा देने वाली, मोस्टली व्यापारी भाई हैं जो 4 दांत को पहले ब्यांत की कह के बेचते हैं, लेकिन नीचे से अगर थनों की बात करें तो जोटी पहले ब्यांत की, दूसरे ब्यांत की लग रही है। पहले ब्यांत के का जो थन की क्वालिटी है वो इस तरह की नहीं होती है। ये भैंस बताओ जी, ये भी तीसरे ब्यांत की है जी।
तीसरे ब्यांत की ब्याई हुई है? नहीं, ये भी क्या बना है? ये कितने एक दिन लेगी भाई साहब? ये अभी 2-3 दिन लेगी जी ब्यांत। तो ये कितना दूध निकाल देगी? ये दूध निकाल देगी जी 14-15। 14-15। इसकी क्या कीमत रखी है? इसकी कीमत जी 1,08,000 रुपए। 1,08,000 रुपए कीमत रखी है। पानी पीने दो, पीने दो, पीने दो, पीने दो भाई, पीने दो। 1,00,000 कितनी कीमत बताए? 1,08,000 रुपए। देखिए, बच्चा देने वाली 15-16 लीटर दूध निकाल देगी। बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी भैंस, गाभी नहीं है, बिठी। ये 6 दांत, 6 दांत दूसरी बार बच्चा देगी। तो ये कितना दूध दे देगी भाई साहब? ये 17-18 किलो की उम्मीद है। 17-18। इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत जी 1,22,000। 1,22,000 रुपए, 17-18 किलो दूध की उम्मीद। 1-2 दिन में बच्चा दे देगी। साफ सुथरी जोटी, ये भी देखिए, दूसरे ब्यांत की, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल छोटे सिंह की, साफ सुथरी वैसे रोहतक में आप खरीद सकते हैं। और एक बात और रोहतक की मैं खासियत बताना चाहूँगा, चुआई की यहाँ बहुत सुपर फास्ट भैंसें ली जाती हैं, और जो है बहुत ताज़ी ब्याई हुई, लगभग खीस में भैंसें इधर बिकती हैं। ये नहीं है कि 15-20 दिन की ब्याई हुई भैंस मिल जाएगी। ये बड़ी छोटी भाई, ये भी 6 दांत है जी मुंह में, ठीक है। हाँ जी, ये इस टाइम इसमें दूध तैयार है 16 किलो। आज 4 दिन की ब्याई है, बिल्कुल 4 दिन की ब्याई में 16 किलो। दूसरे ब्यांत की है? दूसरे ब्यांत की, दूसरे ब्यांत की। इसकी क्या कीमत रखी है? जी 1,68,000 रुपये। 1,68,000 रुपये फुल साइज की जोटी, देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा साइज है जोटी का, और 16 किलो दूध 4 दिन की ब्याई हुई दे रही है। तो कितना दूध निकाल देगी राघव भाई? दूध 20+ देगी जी, 20 से ऊपर निकाल देगी। 4-5 दिन बाद इसकी 20 की मिल्किंग भी करा देंगे, ठीक। और किधर से दिखाएंगे? इधर से तीनों। ये सर इन्होंने ले रखी है। कहाँ से हो जी? मुरैना एमपी। कितने टाइम दूध निकाला है? तीन टाइम। तीन टाइम पूरी तसल्ली करके ली है? पहले भी लेके जाते हो राघव भाई से या पहली? पहले भी लेके गए हैं। कैसी रही पहले वाली? बहुत बढ़िया रही। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है जी। मुरैना एमपी, गांव कौन सा है? पड़ावली, ठीक है। ये कितना दूध दे रही है भाई साहब? अभी 14 लीटर तैयार है, तीसरे दिन की ब्याई है जी, कटिया नीचे है। 3 दिन की ब्याई में 14 लीटर दूध है, देखिए। ये इनको दे रखी है कुल 93,000 रुपए की। 93,000 रुपए की फुल साइज की भैंस है ये भी, ऑर्डर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी। और 3 दिन की जो ब्याई है, ये देखिए बच्चा इधर बैठा है, और थोड़ा सा जो है सींग खुला, लेकिन दूध बेचने के हिसाब की, घर पीने के हिसाब की बहुत ही बढ़िया। ये आगे वाली भाई साहब, इसका अभी मिल्किंग कर लिया सर। अच्छा, दूध निकल चुका है? दूध निकल चुका है, इसमें 14 लीटर दूध तैयार है। 8-10 दिन की बच्चा दी हुई है। 8-10 दिन के बच्चे पे 14 लीटर दूध है इन्होंने ले रखी है। अभी दूध निकाल लिया सर, इसका किलो एक नीचे छोड़ा है, अभी जानी है गाड़ी में इसलिए, ठीक है। ये कितने की दी है? ये जी 1,500 रुपए की दी है जी। 1,500 रुपए की, ठीक है। 500 रुपए 1,00,000 से मुरैना एमपी, ठीक है। दो भैंसे मुरैना एमपी की हम देख चुके हैं। तीसरी भाई साहब, ये जाएगी? नहीं सर, ये दो इधर बाकी बाहर खड़ी है, ठीक है। ये वाली क्या पोजीशन है? इसका सर 14 लीटर दूध तैयार है, अभी लगभग ये भी 6-7 दिन की ब्याई है। 6-7 दिन की ब्याई में 14 लीटर दूध तैयार है। इसकी क्या कीमत होगी? इसका जी 1,04,000। 1,04,000 रुपये। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर भैंस, ये भी फुल साइज की है, देखिए ऑर्डर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया। नीचे से थन भी बिल्कुल मुट्ठी के साइज का, जो एग्जैक्ट जो थन होना चाहिए वो थन लगा हुआ है भैंस के पीछे, बहुत ही बढ़िया। आगे वाली जी, इसका सर एक साइड अभी बच्चा चूम गया। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा एक साइड बच्चा चूम गया, दोनों थन टेढ़ापन दिखा रही है, थोड़ा वैसे बराबर है बिल्कुल, ठीक है। दूध कितना है इसमें? परसों की ब्याई है जी, 10-1 किलो दूध होगा जी। परसों की ब्याई में 10 किलो दूध। ये कितने की बेचनी है जी? ये दे देंगे जी 1,32,000। 1,32 की। कितना दूध निकाल देगी पूरे पीक पे आएगी? दे देगी 15-16 लीटर, मुंह में 4 दांत है जी, ये 4 दांत दूसरे ब्यांत की। हाँ जी, 15-16 किलो दूध दे देगी 1,32,000 रुपए की, बिल्कुल साफ सुथरी भैंस, देखिए। ले आओ भाई, बहुत ही बढ़िया। रोहतक मेन मार्केट में भाई साहब का भारत डेयरी फार्म के नाम से डेयरी फार्म है भाई साहब। कोई अगर भाई लोकेशन वगैरह भी भेजोगे या वैसे ही पूछ ले मार्केट? गूगल मैप पे भी लोकेशन है। हाँ हाँ, वैसे भी कोई मांगता है तो भेज देते हैं हमको। ठीक है, ठीक है, खोलो जी इसको भी। तो ये देखिए एक और जोटी साफ सुथरी आती हुई, कब ब्याई है ये? कल ब्याई थी जी, कल ब्याई थी। इसमें कितना दूध निकाल देगी ये? ये दे देगी सर 13-14 लीटर की उम्मीद है, दे देगी 13-14 लीटर दूध दे देगी। ये कितने की बेचनी है जी? ये दे देंगे जी 1,16,000 की। 1,16,000 की, ये देखिए, ये भी फुल साइज की भैंस, रेट बहुत ही रीजनेबल। जो भाई देख रहे हैं वीडियो,
बहुत बार हमने देखा है कि जो हमारे ग्रामीण एरिया में जो किसान भाई हैं वो क्या पता क्या क्या रेट मांग लेते हैं, लेकिन एक व्यापारी का काम है जायज़ रेट में भैंस बना के लेके आना और अपने ग्राहकों को जायज़ उचित कीमत पे ही बेचना। ये सुंदर झोटी भाई साहब, ये झोटी जी दूसरे भी आता है मुँह में चार दाँत है, कहने को खर की भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, मुँह में बिल्कुल चार दाँत है और फुल कद वजन हाइट नीचे की खूब करी, हिस्से खाली करी है। ये भी कल भी आई थी, कल भी आई थी। हाँ, खाली हो चुकी है, लगभग खाली हो चुकी है, धार धार छोड़ रखी है। कितना दूध निकालने की उम्मीद है भाई साहब इसकी? उम्मीद 20 प्लस की है जी इसकी। क्या कीमत रखी है इसकी जी? अभी कीमत खोली नहीं हुई। अच्छा, दूध तैयार करके बेचेंगे? बिल्कुल जी, दूध तैयार करके बेचेंगे अभी कीमत। देखिए, दो भैंसों के बराबर वजन है झोटी का, चेहरे की सिंह की बहुत ही खूबसूरत, चार दांत जैसा कि भाई साहब ने कहा, कहने को आप पहले ब्यांत की भी कह सकते हो, लेकिन जिनका तसल्ली का काम है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनको बात का जवाब देना पड़ता है, वो भाई कभी भी गलत बात नहीं करेंगे। तो भाई साहब ने दूसरे ब्यांत की झोटी बताई, सुपर हैवीवेट इसे हम कहेंगे। तो भारत भाई, अभी जैसे कि राघव भाई पूछना चाहूँगा मैं कि कहाँ, जैसे कि अभी फिलहाल इस सीजन में कहाँ की बिक्री ज्यादा होती है? इस सीजन में सर महाराष्ट्र साइड की ज्यादा रहती है अपनी। अच्छा, महाराष्ट्र जबलपुर साइड। और अगर बात करें डिलीवरी का, सीजन है कि अभी नहीं है भैंसों का? सर सीजन अभी थोड़ा बहुत चालू हुआ है, अभी इतना सीजन नहीं है डिलीवरी। हाँ हाँ, अपने जंगल का माल इतना ही है कि भाई हम इसलिए ज्ञापन ला के अपने किसानों से इसलिए लेते हैं कि हमें तसल्ली रहती है, ठीक है, अपने जंगल का माल रहता है, ठीक है। नहीं तो हम भी ब्याई ला सकते हैं, हम भी ब्याई करके बेच सकते हैं, ठीक है। हम ज्ञापन इसलिए मेनली लेते हैं ताकि अपने जंगल की भैंस हो जो दूध में पिटती नहीं, अपने जंगल का यही फायदा है। बिल्कुल। और भाई साहब ये भी पूछेंगे कि अभी जैसे कि आज से 1.5-2 महीने पहले की रेट की बात करें, उसमें कोई डिफरेंस आया? 7-8-10 हज़ार का अंतर है। अच्छा, हर भैंस के साथ अंतर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये देखिए, आज की वीडियो हम भारत डेयरी फार्म से लेके आए, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा संख्या में फिलहाल भैंसें खड़ी हैं बिक्री वाली। तो जो भी भाई रोहतक में आए हुए हैं या भैंस लेने की सोच रहे हैं, वो भाई साहब का वीडियो देख के ज़रूर इनसे संपर्क कर सकते हैं। रोहतक की मेन मार्केट में पुराने बस अड्डे के पास लगभग मेरे ख्याल से ये मार्केट है, वहाँ आप संपर्क करके भाई साहब से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से इनका जो बोर्ड लगा हुआ है वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, BDF भारत डेयरी फार्म के नाम से भाई साहब के टोटल जो एड्रेस हैं वो भी दिए गए हैं, नंबर भी दिया गया है, सारा कुछ लिखा है। ठीक है भाइयों, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, नमस्कार।